उत्तर प्रदेश के अयोध्या उच्च न्यायालय में याचिका करने व न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के संबंध में नगर निकाय चुनाव सर पर है। सभी 60 वार्डों में कुछ न कुछ कमी देखने को मिल रही है, परंतु झूलेलाल नगर वार्ड संख्या 59 की कमी अविश्वसनीय है। इसी वार्ड में पार्षद पद के उम्मीदवार अभिनव पांडे पिछले काफी दिनों से परिसीमन अंतर्गत क्षेत्र में चुनाव तैयारी कर रहे हैं, परंतु अब प्रशासन द्वारा वोटर लिस्ट जारी हुई तो परिसीमन व वोटर लिस्ट में आपस में कोई तालमेल ही नहीं मिला। सीधे 1500 लोगों का क्षेत्र लगभग दो मोहल्ला झूलेलाल नगर वार्ड में गायब मिला। यह क्षेत्र विवेकानंद वार्ड संख्या 60 में जुड़ा मिला, जो कि विवेकानंद वार्ड के परिसीमन में है ही नहीं, जिसकी जानकारी वनिस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र 2 बार जिलाधिकारी को अभिनव पांडे द्वारा दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि झूलेलाल नगर वार्ड संख्या 61 में एक छोटी मोटी नहीं इतनी बड़ी खामी पकड़ में आई थी, जो अविश्वसनीय थी। शासन द्वारा जो सीमांकन किया गया था, उस सीमांकन के अंतर्गत हम लोग 6 महीने से लगे थे चुनाव में। हम लोग एकदम जनता के बीच थे, जो भी काम प्रसाद उनके थे, पार्षद वर्तमान पार्षद के थे, वो हम लोगों ने किए हैं, ये वहाँ की जनता विधिवत जानती है। लेकिन हुआ क्या, जब सीमांकन तो शासन द्वारा किया गया, मैंने अपने पास से किया नहीं, लेकिन जब वोटर लिस्ट आई तो सीमांकन और वोटर लिस्ट का आपस में दूर दूर तक कोई तालमेल ही नहीं था। लगभग लगभग 1500 लोगों का क्षेत्र लगभग लगभग सीधे 2-2.5 मोहल्ले ही गायब कर दिए गए थे। सामने वाले वार्ड विवेकानंद वार्ड संख्या 60 में ट्रांसफर कर दिए गए थे। हमको कोई विशेष मांग नहीं, मांग सिर्फ इतनी है, जो शासन प्रशासन ने स्वयं सीमांकन किया, उस सीमांकन अंतर्गत व्यवस्थित करके और जो है नई वोटर लिस्ट जारी की जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।